नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। कब तक यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आप यहाँ पे चाहे OBC कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी के हो, कितनी स्कॉलरशिप आएगी यहाँ पे, जो है कौन से महीने से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, क्या न्यू अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे MP स्कॉलरशिप के यहाँ से पोर्टल से, प्लस यहाँ पे आप लोग को किस तरह से चेकआउट कर लेना है, कैसे आप स्टेटस देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, जिनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे रिजेक्ट होती है, किस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको स्कूल से कैसे पता कर लेना है, कॉलेज से कैसे पता कर लेना है, ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग गया इस बार स्कॉलरशिप में, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आ चुकी थी, पर अभी यहाँ पे जो है किसी भी कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं आई है, किसी की सेंशन नहीं हुई है, किसी का यहाँ पे स्टेटस बता रहा है पेंडिंग इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे जो है कितना और टाइम यहाँ पे लग सकता है, कितना यहाँ पे और समय लग सकता है, सारी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो चलते हैं हम सीधे इसके न्यू अपडेट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोग से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पे आती है, सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ, और किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो भी वीडियो में समझाता हूँ, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको चेक करने का ऑलरेडी बता दिया था, पर यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में पहले आप लोग समझ लेते हैं। MP छात्रवृत्ति 2024 मुख्य पात्र पुरस्कार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन अनुभाग प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्रार्थना मंडप और पुरस्कारों के बारे में विवरण लिखे से शामिल है, तो ये यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हुई है। प्लस यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे स्कॉलरशिप की योजना जो है वो यहाँ पे MP में चल रही है, तो पहले आप ये जानिएगा आपकी कौन सी स्कॉलरशिप है, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है आप लोग को कितना पैसा मिलेगा, चाहे आप SC ST OBC हो, तो यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप की डिटेल्स दी गई हुई है। हम लोग एक एक करके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। वे छात्र जिन्होंने परीक्षा 12वीं में 75% उससे अधिक अंकों का माध्यम से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या 85 से उसमें अधिक अंक की CBSE बोर्ड में उत्तीर्ण की हो, परिवार व वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, छात्रों को मानक संस्था विश्वविद्यालय में स्नातक का पाठ्यक्रम निलंबित होना चाहिए। इंजीनियरिंग व इच्छुक अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 से कम रैंक के साथ JEE मेन परीक्षा उत्तीर्ण करें। मेडिकल व प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी को NIT मेरिट के माध्यम से सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिले ना जाना चाहिए। कानून की पढ़ाई हुआ इच्छुक अभ्यर्थी को अपेक्षा हुआ CLT परीक्षा उत्तीर्ण हुआ NLU में प्रवेश प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरस्कार, ठीक है, 100% ट्यूशन फीस यहाँ पे माफ़ी। उसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसमें आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति की डिटेल दी गई हुई है, तो अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी से मध्य प्रदेश में जिसकी डिटेल दी गई है। अब OBC छात्रों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो है आपकी जो परिवार की वार्षिक आय वो 75,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 100% छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय यहाँ पे जो 1 लाख रुपए से कम होगी तो आपके यहाँ पे 50 यहाँ पे जो है 50% छात्रवृत्ति के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं पुरस्कार 100% तक छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट मेरिट लिए छायाप्रति योजना मध्य प्रदेश, इनको क्या बेनिफिट देगा तो वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या डिटेल्स दिया गया हुआ है उसकी वजह यहाँ पे आप देख पाएंगे। NSC छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छायाप्रति योजना मध्य प्रदेश, तो इस तरीके की यहाँ पे योजनाएं मध्य प्रदेश में रहती है, जो कि कई कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहता, चाहे वो OBC के हो, SC को, ST को। तो पहले आप यहाँ पे इसकी नॉलेज रखिए, यहाँ पे आप सर्च करिए, आप लोग यहाँ पे जो है आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए, ताकि आप लोग इस योजना का फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके यहाँ पे मार्क्स रहे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसी योजना रहती है जिससे आप पढ़ाई में आपकी हेल्प मिल सकती है। आप लोग को यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, आपको वकील की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो आप जिससे स्कॉलरशिप से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे जो है इसकी छायाप्रति की वैकेंसीज, इसकी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उनकी वेबसाइट्स यहाँ पर दी गई है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और किस तरीके से चेकआउट करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो है कॉलेज की जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है या फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर एडमिशन लिया, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। नर्सिंग स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई है, इंजीनियरिंग के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, कई लोग के BA BCOM BCA वालों की यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, MCA वालों की स्कॉलरशिप नहीं है, तो यहाँ पे जो है इतना लेट क्यों हो गया है। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा विधानसभा चल रही थी और इस पर भी यही क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए थे, फाइनली यहाँ पे बजट की कमी थी और बजट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप है, 15 अगस्त भी यहाँ पे निकल गया है, अब यहाँ पे सेप्टेम्बर से आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि पहले यहाँ पे जो है SC ST कैंडिडेट्स की धीरे धीरे स्कॉलरशिप आएगी, फिर यहाँ पे जो है OBC कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट पोर्टल, ठीक है, स्कॉलरशिप 2.0, जिसमें यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं गेट योर एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ही आप इस पर स्टेटस देखेंगे, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, वो आपको लॉगिन करके लॉगिन करेंगे और यहाँ से जो है आप लोग अपनी जो स्कॉलरशिप है उसका स्टेट देख सकते हैं।
तो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होती हैं जिसमें यहाँ पे जो है आप लोग को स्कॉलरशिप देख लेना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है आपका मेधावी यहाँ पे जो है आप लोग को डिटेल देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे आवश्यक सूचना यहाँ पर जो है आ जाएगी, जिसमें आप लोग को सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो एक और पोर्टल में अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम SC, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ST। इस तरीके से यहाँ पे स्कॉलरशिप के यहाँ पे पोर्टल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे आप सारी ही डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और कोई भी अगर ऑर्डर आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, जो कि यहाँ पे आपको चेकआउट करने को मिल जाएगी। तो ये थी डिटेल्स जो कि मैंने आपको बता दी है, प्लस यहाँ पे जो है आपको कैसे चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग का है, एग्रीकल्चर का है, या फिर यहाँ पर पैरामेडिकल, हायर स्कूल, जो भी यहाँ पर है आपका सेलेक्ट कर लेना। तो नर्सिंग काउंसिल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट आपको डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अगस्त सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगस्त यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पे बालाघाट का जो था पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, अलग अलग यहाँ पे पॉलिटेक्निकल बालाघाट, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है लांजी, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, भोपाल से अगर आप करें तो भोपाल सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग को डेट डाल देनी है। जैसे यहाँ पे जो है हम लोग रैंडमली डेट डाल देते हैं, सर्च आप करेंगे कौन से सेक्शन हुई है, तो आपको सैम कॉलेज का देखने को मिल जाएगा, ट्रूबा इंस्टीट्यूट का देख सकते हैं, सागर इंस्टीट्यूट का, पीपुल्स डेंटल का, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को NRI कॉलेज का, लक्ष्मी नारायण कॉलेज का, ओरिएंटल का, मैनिट का, उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को इसमें सागर इंस्टीट्यूट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च सिस्टेक का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स दी गई हुई है, देख सकते हैं सेंशन डेट, टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, 12, 1, 3, 4, 5। तो ये जो सेंशन डेट है वो यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हैं, बेनिफिशियल लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, बेनिफिशियल लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम, एप्लीकेंट नेम, आपकी कैटेगरी देखने को मिलेगी, ब्रांच देखने को मिलेगा, एनुअली इनकम, फीस आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे जो है मेंटेनेंस अलाउ यहाँ पे मिलता है वो आपको, और टोटल सैनिटरी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो व्यू डिटेल्स पे यहाँ पे आप सारी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये डिटेल्स बता दी है, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं सैम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लेवल दिया है हजूर, उसके बाद एकेडमिक ईयर दिया गया है 23 से 24, फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, BTech यहाँ पे कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थर्ड ईयर यहाँ पे SC कैटेगरी। अब कितनी यहाँ पे सेंशन आई है, अमाउंट दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हुई है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी आ जाती है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चेकआउट करना है, ये सारी ही डिटेल्स यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपने भोपाल से किया हो, या फिर यहाँ पे जो है आप लोगों ने बालाघाट, बैतूल, जहाँ पे भी आपका कॉलेज हो, सागर हो, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आप लोग को दूसरी जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग एग्रीकल्चर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी आप सेलेक्ट करने को आपको मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर जो है फिर आप लोग चेक करके बताइएगा कि आपका जो स्टेटस है वो क्या बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर RKDF सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है रानी लिया आयुर्वेदिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर गवर्नमेंट हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट हम हटा देते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे भी हम डेट हटा देते हैं, कौन सी डेट के अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए, पूरा ही यहाँ पे जो डेटा चाहिए सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। तो पूरी यहाँ पे लिस्ट जो है आएगी आपके सामने, यहाँ पे डेटा आ जाएगा जो कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल एप्लीकेशन 59 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेशन डेट तो 3/7/2024, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे विधानसभा यहाँ पे जो है कंप्लीट हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बजट यहाँ पे फाइनलिस्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग बता रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपका यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता, आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे स्टेटस आप चेकआउट कर लीजिएगा, स्टेटस की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कैसे स्टेटस चेकआउट करना है। एक बार आप कॉलेज में जो आपके जो स्कॉलरशिप का सेक्शन होता है, ठीक है, आपके कॉलेज में जो स्कॉलरशिप का सारा काम देखते हैं, आप वाले सर से जाके जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, उनको यहाँ पे सारी डिटेल्स रहती है कि आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है कौन सी डेट को आने वाली है, उन लोग के पास एग्जैक्ट यहाँ पे जो डेटा रहता है वो आपको बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है एक एक करके यहाँ पे जो है कॉलेजों की स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैं अब स्टडी कर रहा था तो मेरी यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप
अगर आप देखें तो अक्टूबर के टाइम पर आई थी, और मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे जो इस अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना है, यहाँ पे जो है कभी लेट और कभी जल्दी भी आ जाती है। बाकी मैंने आपको सारी ही डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दी है, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर आ गई होगी। यहाँ पे चेकआउट करने का मैंने आपको पोर्टल भी बता दिया है कैसे आपको चेकआउट करना है, प्लस यहाँ पे जो है आप लोग को कहाँ से जो है आपकी जो डेट है सेंशन हुई है कि नहीं, वो आपको चेकआउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोग स्वयं से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से जो है आप लोग को चेकआउट कर लेना है। अगर आपको और भी कोई न्यू अपडेट चाहिए या फिर कुछ यहाँ पे जो आपको पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी इस रिगार्डिंग न्यू अपडेट आएगी या कुछ पता चलेगा तो आपको सारी डिटेल्स मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताएगा वीडियो कैसा लगा, आप कौन सी कैटेगरी के हैं और कौन से ईयर में आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सेकेंड ईयर है थर्ड ईयर है, और यहाँ पर जो है आपकी स्कॉलरशिप अभी तक यहाँ पर जो डेट है वो बता रहा है कि नहीं बता रहा सेंशन डेट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।